हेलो माय लवली वेकर्स, तो आपका वेकिंग कैसे चल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये हाफ किलो का केक था, इसीलिए केक को मैंने पहले से ही 3 लेयर में कट कर ली हूँ। और 200 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ, 200 ग्राम भी मैं क्रीम यूज़ करती हूँ। क्रीम 200 ग्राम लेती हूँ, लेकिन उससे जितना लगेगा उतना मैं यूज़ करती हूँ। जैसे नॉर्मल हमेशा करते हैं हम, शुगर सिरप से सोक करना है, फिर इसके ऊपर क्रीम लगाना है, उसके ऊपर जो जिस भी फ्लेवर का केक होगा उसका क्रस्ट डालना है, और इसी तरह करके लेयरिंग कर लेना है। हाफ किलो केक तो 3 लेयर आराम से बन जाता है, और जिस तरह हमेशा करना है उसी तरह ही। तो इसीलिए रोज़ क्या वही दिखाना, और मैं आज कुछ इसीलिए स्किप कर दी हूँ, ये पूरा सारा वीडियो नहीं दिखाई हूँ। और करने के बाद हमें इसको आइसिंग करके पूरा फिनिशिंग कर देना है। आइसिंग तो जिस तरह मैं नॉर्मल हमेशा मतलब करती हूँ उसी तरह ही आइसिंग कर दी हूँ, और ये पतला वाला स्क्रैपर भी जिस तरह डेली यूज़ करती हूँ बिल्कुल उसी तरह ही कर दी हूँ। करने के बाद वाइट कलर की क्रीम मैं थोड़ा सा ले रही हूँ एक अलग बोल में, और येलो कलर की जेल कलर साइड में ले रही हूँ, आप जैसे देख सकते हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पूरा येलो कलर का नहीं चाहिए था, थोड़ा सा ऑफ वाइट जैसे होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का चाहिए था। देखिए इस लाइट शेड का ये डिज़ाइन ना बहुत ही बनने के बाद सुंदर दिखेगा। सिंपल सी डिज़ाइन है लेकिन सुंदर दिखेगा, बहुत ही सुंदर दिख रहा था बनने के बाद भी। तो देखिए इसको मैं ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ, और जो बचा हुआ येलो कलर था उसको मैं फिर से वही उसमें मिक्स कर रही हूँ वही क्रीम में। और थोड़ा सा मुझे ज़्यादा क्वांटिटी का क्रीम चाहिए था, तो और मैं थोड़ा सा क्रीम लेकर के उसमें थोड़ा सा येलो कलर भी मिक्स कर दूँगी। और मुझे ये येलो थोड़ा सा डार्क चाहिए था, थोड़ा मतलब अच्छा खासा डार्क येलो का चाहिए था। तो देखिए इस तरह की शेड में मिक्स करके बनाई, और इसको करने के बाद मैं इसको लगाऊंगी नीचे, मतलब पूरा साइड में कवर नहीं करूंगी, जिस तरह नीचे लगा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह लगाना है साइड में। देखिए आधा वाइट रहने देना है, ऊपर का मैं लाइट मतलब ऑफ वाइट जैसे होता है लाइट येलो का उसी तरह कर दी, और साइड में ये येलो कलर लगा रही हूँ। और स्क्रैपर से इसको अभी मैं फिनिशिंग करूँगी। और देखिए बस स्क्रैपर को हल्की हाथों से पकड़ना है और टर्न टेबल को घुमाते जाना है। इस तरह करने से केक ना पूरा अच्छी तरीके से फिनिशिंग हो जाता है, और ऊपर का जो भी थोड़ा सा मतलब सार पेजेस लाने के लिए मैं क्लीन कर दी। करने के बाद बोर्ड में जो लगा हुआ था उसको मैं यूज़ क्लीन कर रही हूँ मेरे टॉवल से। आप चाहे तो टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं टॉवल यूज़ करती हूँ, और इसको हमेशा क्लीन करके रख देती हूँ, और वो सिर्फ क्रीम के लिए यूज़ करती हूँ केक बनाने के लिए सरी। और अभी रह रही हूँ मेरी जो N1 का नोज़ल या फिर N2, जो भी नोज़ल है आपके पास आप यूज़ कर सकते हैं। और इससे मैं रोस्टेड बना रही हूँ, जिस तरह की डार्क कलर हम नीचे लगाए बिल्कुल वही क्रीम मैंने यूज़ करके इसको मैं देखिए एक साइड में राइट साइड में मैंने 4 बना ली रोस्टेड। और एक जो छोटा वाला स्टार नोज़ल आता है, मतलब ओपन स्टार का जो नोज़ल में सेट में आता है, उसी तरह का मैंने एक यूज़ कर लिया। और जो बचा हुआ येलो कलर था उसको साइड में ले रही हूँ, और वाइट कलर मिक्स करके ले रही हूँ हाफ हाफ, जिस तरह आप देखें उसी तरह फिल कर ली। और देखिए बस 3 इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 1, इस तरह करके 5 मैंने स्टार बना ली। और उसी सेम प्रोसेस से मैं जहाँ जहाँ पर साइड में थोड़ा थोड़ा गैप गैप में जो रोस्टेड बनाई थी वहाँ पर बना रही हूँ स्टार्स छोटा छोटा। और आप देख सकते हैं ये डबल शेड का आ रहा है, येलो वाइट दोनों का मिक्स होके, और इस तरह करके ये हमारा हो गया स्टार बन गया। इतना करने के बाद अभी मैं करूँगी, देखिए इतने में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं करूँगी थोड़ा सा ड्रिप्स। और ये पहले से मेरा जेल रेड कलर का बचा हुआ था, जिसमें येलो और रेड दोनों थोड़ा थोड़ा बच गया था, तो मैं एक पाइपिंग बैग में हमेशा इस तरह भर करके रख देती हूँ। कहीं पर अगर थोड़ा सा ड्रिप्स चाहिए तो मैं इससे कर लेती हूँ। अगर ये ड्रिप्स मैं पहले बनाती तो अच्छा होता, लेकिन ड्रिप्स बनाने का इरादा नहीं था, तो इसको एक कंप्लीट लुक दूँ इसीलिए अच्छा और एक अलग सा लुक आए, इसीलिए साइड में थोड़ा थोड़ा करके ड्रिप्स बना रही हूँ। और ये बनाने के बाद ना ये करने से ना और भी हाईलाइट हो गया, और इसका कलर लाइट ऑरेंज का था, येलो और रेड दोनों मिक्स हो गया था ना इसीलिए। और ये पूरा बटरस्कच का जैसे आता है क्रसेस ना, क्रस वही कलर का था, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही दिख रहा था। देखिए पूरा जहाँ पर मैं रोसेट और फ्लावर्स बनाई थी वहाँ पर ही मैं बना रही हूँ वो ड्रिप्स कर दी। करने के बाद अभी मैं यूज़ करूँगी जो हमारा आता है ना
गोल्डन सीट मतलब एडिबल वाला मिठाई वगैरह में यूज़ होता है वही मैं दूंगी जहाँ पर गैप है। और इसको आप एक यूज़ कर सकते हैं ब्रश, ब्रश की मदद से लगाने से ये हाथों में ज़्यादा चिपकता नहीं, ये बहुत पतला होता है इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये मैं रोज़ गोल्ड कलर के लिए हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि कहाँ पर ये मिलता है, ये ऑनलाइन भी मिलता है मार्केट भी मिलता है, मैं मार्केट से इसको खरीदी थी। लगाने के बाद वहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्लिप सूट नहीं हुआ है, छोटा छोटा जो एडिबल गोल्डन पर्ल्स आता है सॉरी गोल्डन बल्स आता है उसको भी मैं वो सीट के साथ बॉर्डर जैसा बना दी हूँ। और पिंक कलर का पर्ल लेकर के वो जो रोसेट बनाई थी वहाँ पर लगा ली और थोड़ा थोड़ा वाइट कलर की पर्ल्स वो छोटा छोटा स्टार में लगा ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत से बहुत शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं इस केक को 280 में सेल की थी, आप अपने मार्केट में आधा किलो केक जितना चलता है उतने में सेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।